नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। हुसैनाबाद से संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। स्थानीय एके सिंह कॉलेज में निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय झारखंड राज्य के पक्षपात पूर्ण निर्णय से सत्र 2017-20 एवं सत्र 2018-21 विज्ञान संकाय का संबद्धन दीर्घीकरण नहीं मिल पा रहा है, जबकि सत्र 2019-22 से तीन सत्रों के लिए संबद्धन दीर्घीकरण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक उच्च शिक्षा को भेज दिए हैं। विगत दो सत्र का संबंधन नहीं मिलने के कारण ही कॉलेज प्रबंधक से नए सत्र 2019-22 में नामांकन स्थगित रखा है। प्राचार्य अशोक कुमार सिंह का कहना है कि एचआरडी से संबंधन दीर्घीकरण का पत्र प्राप्त होते ही नामांकन प्रारंभ कर दिया जाएगा। नामांकन नहीं होने से क्षेत्र के इंटर पास छात्र छात्राओं अभिभावकों छात्र संगठनों में असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र एवं प्राचार्य द्वारा भेजे गए जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि लोकायुक्त के आदेश पर दर्ज किए गए केस को आधार बनाकर शिक्षा विभाग विज्ञान संकाय का संबंधन दीर्घीकरण समाप्त करने पर विचार कर रहा है, जबकि प्राचार्य का कहना है कि दर्ज केस की जाँच प्रक्रिया जारी है, उससे विज्ञान संकाय का कोई संबंध नहीं है। जांच में दोषी पाए जाने वाले संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी। ऐसे में निदेशक द्वारा संबंधन दीर्घीकरण नहीं करना कॉलेज व छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बताया जा रहा है। इस पक्षपात पूर्ण निर्णय से क्षेत्र के लोगों में काफी असंतोष है। मालूम हो कि हुसैनाबाद अनुमंडल का यह एकमात्र डिग्री कॉलेज है, जहाँ गरीब गुरबों अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें आधे से अधिक संख्या लड़कियों की रहती है। इस महाविद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग 1500 से 1800 बच्चे नामांकित होते हैं। एचआरडी से संबंधन दीर्घीकरण नहीं मिलने से यहां के बच्चे नामांकन नहीं ले सकेंगे। ऐसे में राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर सामूहिक प्रयास कर कॉलेज को विज्ञान संकाय का संबंधन दीर्घीकरण कराने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि नामांकन प्रारंभ कराया जा सके। महाविद्यालय की ओर से एचआरडी द्वारा कुछ जानकारियां मांगी गई थी, जिसका महाविद्यालय से जवाब बना करके भेजा जा चुका है और उस पर अभी तक एचआरडी विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है और इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और आगे भी जब आदेश हमको निर्गत हो जाएगा तो महाविद्यालय में बीएससी में एडमिशन कराया जाएगा। धन्यवाद।